दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई के वाई सी को नहीं कराया है तो आपका राशन कार्ड अचानक से बंद हो सकता है हो सकता है आपको राशन कार्ड से मिलने वाली और भी सुविधाएं आपकी बंद कर दी जाए अगर आपने 30 सितंबर से पहले पहले राशन कार्ड की ई के वाई सी नहीं कराई या फिर खुद घर पर बैठकर नहीं की है तो इस वीडियो को जरूर देखना आज की इस वीडियो में मैं आपको राशन कार्ड की ई e के करके दिखाऊंगा ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे और किन किन लोगों को अपने राशन कार्ड की e करनी होगी जिससे उनका राशन बंद ना हो और आपको हमेशा राशन मिलता रहे तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप यही जानेंगे कि आपको घर बैठे अपने मोबाइल से राशन कार्ड की ई e के को कैसे करना है और किन लोगों की राशन कार्ड की ई e के हो पाएगी तो इस वीडियो में तक बने रहिए

जैसे ही आप ये लिख कर सर्च करेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपके पास एक लिंक आएगा माई आधार नाम से आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है नीचे आते रहना है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा वेरीफाई एन आधार नंबर आपको इस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप जो है इस तरीके की वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे अब आप आपको नीचे आना है नीचे आते रहना है नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा चेक आधार वैलिडिटी आपको इस पर ही क्लिक कर देना है अब दोस्तों आप सोचते होंगे कि हम आधार कार्ड वाली वेबसाइट पर क्यों जा रहे हैं हमें आधार नहीं राशन कार्ड की ईके वाई सी करना है अब दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके आधार पर आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है अगर आपके आधार पर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तब तो आप राशन कार्ड की एके वाई कर पाएंगे अगर नहीं है लिंक तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आपको उसके लिए क्या काम करना होगा सबसे पहले यहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है वाला कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना है उसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर आपका आधार नंबर शो हो जाएगा ठीक है अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक है यहां पर आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा ठीक है लास्ट के थ्री डिजिट दिख जाएंगे आपको इसका मतलब समझ लीजिए आपके आधार पर आपका मोबाइल नंबर लिंक है अब आप अपने राशन कार्ड की ई के को बहुत आसानी से कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको ठीक है अब राशन कार्ड की ईकेवाईसी e करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मेरा राशन नाम की एप्लीकेशन को सर्च करना है उसे इंस्टॉल कर लेना है जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर ओपन का बटन मिलेगा देखने को आपको ओपन के बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी एक भाषा सेलेक्ट करनी हुई अपने हिसाब से तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे अब यहाँ से आपको चेक करना है कि राशन कार्ड की ई के किन किन लोगों को करना है किन लोगों के लिए राशन कार्ड की ई के बहुत जरूरी है

उसके बाद डायरेक्ट हम सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों जैसे ही हम राशन कार्ड नंबर डालकर सबमिट करेंगे उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहां पर सब कुछ शो हो जाएगा आप कौन सी तारीख को राशन कार्ड की ई के वाई सी कर रहे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएगा तारीख और टाइम आप कौन से राज्य से हैं वो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट आपकी योजना और आपका राशन कार्ड का नंबर और दुकान का नंबर यानी कि राशन कार्ड वाले की दुकान का नंबर ठीक अब यहां पर आपके घर में जो भी सदस्य होंगे उनका नाम यहां पर शो हो जाएगा सभी लोगों का नाम तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सदस्य का नाम यहां पर लिख के आ रहा है अब यहां पर सबसे जरूरी बात दोस्तों आप यहां पर देखिए आधार सीडिंग यानी कि आपको राशन कार्ड की ई e के कराना है या नहीं कराना है वो यहीं पर आपको पता लगेगा अगर आपके नाम के आगे यस लिख के आ रहा है किसी भी नाम के आगे यस लिख के आ रहा है तो समझ लीजिए आपको अपने राशन कार्ड की ई e के को नहीं कराना है आपके राशन कार्ड की ई e के हो चुकी है यहां पर इस राशन कार्ड की ई के वाई सी सभी लोगों की हो चुकी है तो यहां पर यस लिख के आ रहा है अगर किसी के नाम के आगे नो लिख कर आता है यहां पर आप देख पा रहे हैं अगर किसी के नाम के आगे नो लिख कर आता है तो समझ लीजिए आपको उसके राशन कार्ड की ई के वाई सी जरूर जरूर करानी होगी अगर नो लिख के आ रहा है तब अगर यस लिख के आ रहा है तो समझ लीजिए आपको राशन कार्ड की ई के वाई सी नहीं करानी है आपकी राशन कार्ड की ई के वाई सी हो चुकी है तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपने राशन कार्ड की ई के वाई सी को चेक करना है अगर आपको कराना है राशन कार्ड की ई के वाई सी तो यहां पर नो लिख के आ जाएगा अगर आपकी राशन कार्ड की ई के वाई सी पहले से हो रखी है आपने करा रखी है तो यहां पर यस लिख के आ जाएगा तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे राशन कार्ड की ई e के को आप किस तरीके से कर पाएंगे और किन किन लोगों के लिए जरूरी है राशन कार्ड की ई e के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए मिस्टर अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग